पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हरियाली तीज उत्सव को कोरोना काल में ही धूमधाम से मनाने के लिए महिलाएं कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हर वर्ष महिलाएं बहुत ही उत्साह के साथ इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करती हैं। इसे मनाती हैं क्योंकि इस बार कोरोना वायरस है, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं ने एक दिन पहले ही घरों में और अपने घरों के बाहर झूले डाल लिए हैं और इस त्यौहार को मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल महिलाओं के सजने संवरने वाले हरियाली का पर्व तीज उत्सव कहलाता है। इसे लेकर बाजार सजे हैं, मिठाइयों उपहारों की दुकानों पर भी रौनक बढ़ गई है। इस बार सोच रहे हैं कि थोड़ा सेफ्टी के साथ त्यौहार मनाया जाए, और मनाना तो होगा ही, लेकिन क्या कहते हैं, आपस में मिलके थोड़ा गैप रह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्यौहार को हम मनाएंगे। अच्छा, पहले किस तरह से मनाते थे? पहले सखी सहेलियां सब इकट्ठे होके खूब मस्ती करते थे। इस बार क्या कहते हैं, सब रहेंगे तो, लेकिन ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा करेंगे। हमें तीज पे झूला झूलना है, मेहंदी लगानी है और मिठाइयाँ खानी है, घेवर खाना है और घूमना है बहुत सारा। सुबह पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, और मेरी शादी हो चुकी है जैसे बायना भी निकालूंगी मैं अपनी सास के लिए, और व्रत रखूंगी, साड़ी पहनूंगी और मेहंदी लगाऊंगी। घर पे ही रहेंगे, थोड़ा सेफ्टी के साथ मनाएंगे, ज़्यादा कहीं जाएंगे नहीं। पिछली बार की तरह फील नहीं हो रहा इस बार कोरोना के चलते हुए। कोरोना की वजह से शॉपिंग भी नहीं कर पाए हम इस बार ज़्यादा, हर बार मस्ती भी नहीं कर पाएंगे इस बार। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ज़रूरी है, बस यही। थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क जरूरी है, और बस यही। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।